Hey guys, welcome back to the channel again. This video is about English for Uzbek luck means. जैसे कि आपने इससे पहले तीन planning videos देख ली है, quant की, reasoning की और GA की. So C की series में एक fourth video English की strategy में. I hope इससे आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा. तो सबसे basic चीज़ और सबसे best चीज़ मैं आपको English के लिए बता दूँ. एक ही चीज़ English को आप एग्ज़ाम को क्लियर करने की, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक हो, SSC हो, स्पेशली बैंक के लिए, रीडिंग के बिना आप इंग्लिश के एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते. आप मेरे से लिखवा के ले सकते हैं अभी, ठीक है? तो आपको एक रीडिंग करनी है, पर रीडिंग भी किस तरह करनी है मैं आपको बताऊंगा. ऐसे रैंडम में रीड करते रहने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको प्रॉपर प्लानिंग बताऊंगा आपको कैसे रीड करना है, क्या करना है. और क्योंकि Uzbek luck मेंस देने जा रहे हो आप, और आप में से बहुत से लोग Uzbek PO भी देंगे, जो कि होने उसके बाद ही होगा, तो उसके लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल है. उसको भी ध्यान में रख के मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है? तो चलिए करते हैं. आपको एक एडिटोरियल करना क्या है, डेली एक न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल पढ़ना है. एक एडिटोरियल पढ़ेंगे, आपको तीन चार एडिटोरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ एक एडिटोरियल को आप कम से कम 4 to 5 times पढ़ेंगे. रिमेंबर गाइस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक एडिटोरियल को आप 4 to 5 times पढ़ेंगे. आपको ये नहीं, क्वांटिटी से मैटर नहीं होना चाहिए, आपको क्वालिटी से मैटर होना चाहिए. आपको अपनी कंप्रीहेंशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको एक एडिटोरियल को 4 से 5 बार पढ़ना है. और उसके बाद करना क्या है आपको, उसमें से वोकैबुलरी के वर्ड्स लिखने हैं. आपको कुछ जो भी वर्ड्स नहीं आते होंगे उसमें, चाहे आपको 10 से 15 वर्ड्स नहीं आए वोकैबुलरी के, पर आप सिर्फ डेली 5 वर्ड्स लिखोगे, ओनली 5 वर्ड्स वोकैबुलरी आप लिखोगे. और उसके बाद क्या करना है आपको, 4 से 5 बार आपने एक बार पढ़ लिया उस एडिटोरियल को, उसके बाद मेरे को लगता है आपके पूरे, आपको उसका क्रंच समझ आ जाएगा कि वो क्या बोलना चाहते हैं. उसके बाद आप बिना देखे उस एडिटोरियल को लिखोगे, एडिटोरियल को, ठीक है गाइस? एडिटोरियल पूरे कंप्रीहेंड करके अपने वर्ड्स में उसको लिखोगे. आपको कुछ दिन प्रॉब्लम होगी, स्टार्टिंग के 8-10 दिन आपको दिक्कत होगी लिखने में, आपको समझ नहीं आएगा क्या लिखना है. पर प्लीज़ गाइस, इसको छोड़ना मत. आपको जो भी आपने पढ़ा उस, चाहे ग्रामर मत देखो आप कैसे ग्रामर कर रहे हो, बस आप लिखने का ट्राई करते रहो, ठीक है? और उसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करना है, और जो आपने लिखा है उसी को, वो सेम वही 4 से 5 वर्ड यूज़ करते हुए, वो कैब के जो आपने पढ़े थे उसको आपको आपके मोबाइल के फ्रंट कैमरा ऑन करके उसको वही चीज़ आपको बोलनी है. मिरर में देख लो, चाहे मोबाइल के फ्रंट कैमरा ऑन करके देख लो, वो चीज़ आपको बोलने से आपको क्या होगा, जो भी आपकी इंटरव्यू स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी, जो कि एक्चुअली बहुत जगह फ़ायदा करेगी आपको. Uzbek PO दोगे उसके लिए भी, और वैसे भी आपके लाइफ के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है, आपको बताइए, ठीक है? तो ये तो आपके लिए डेली मैंडेटरी, आपको डेली करना ही करना है. उसके बाद आप क्या करोगे मैं आपको बताता हूँ. उसके बाद आप, क्योंकि मैंने सभी वीडियोस में बताया कि अभी आप मॉक टेस्ट दोगे नहीं, मॉक टेस्ट एग्ज़ाम से 1 महीने पहले दोगे, आपको करना ये है कि आपको मॉक टेस्ट सबमिट करना है. उसमें से इंग्लिश का जो सेक्शन है, आपको पता है इंग्लिश के सेक्शन में 40 क्वेश्चन आते हैं, 35 मिनट का टाइम होता है. आपको वही 40 क्वेश्चन लगा, 35 मिनट का टाइमर लगा के 40 क्वेश्चन करने. मैं बताऊँगा उसमें आपको आएगा क्या क्या, उसमें आपको पैसे जाएंगे, 3 से 4 पैसे जाएंगे, ठीक है गाइस? 3 से 4 पैसे जाएंगे, और वर्ड और फ्रेज प्लेसमेंट के क्वेश्चन आएंगे. ये आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा किस तरह के क्वेश्चन होते हैं. उसके बाद डबल फिलर्स के क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा. कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के क्वेश्चन आएंगे, कॉलम मैच करने के, जो आपको जिन्होंने मेंस दिया होगा पहले उनको पता होगा, और आपको नहीं दिया है तो भी आपको मॉक टेस्ट में पता लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन होते हैं. ईजी क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी मुश्किल नहीं होते. और पैरा जंबल्स के क्वेश्चन आएंगे. बेसिकली यही 4-5 टॉपिक हैं जो आपके मेंस में एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है गाइस? तो इन्हीं को आपको करना है टाइमर लगा के, ठीक है? और फिर उसके बाद टाइम लगा के करोगे. और आपको करना कैसे है, एक बार टाइम लगा के करोगे, आपको नहीं आया फिर उसके बाद आपके दोबारा आपका आंसर चेक करोगे और देखोगे कि कौन से क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं, उनको एनालाइज करोगे, उसके पीछे का रीज़न ढूंढोगे. जब तक आपको रीज़न नहीं मिलेगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे नहीं बढ़ोगे. रीज़न मिलेगा क्यों गलत हुआ, कि आपकी आपने कम्प्रीहेंशंस के, आप कम्प्रीहेंशन नहीं कर अच्छा कर पाए, या फिर आप जल्दीबाजी में आपने ये लगा दिया, ठीक है गाइस? और आपको अटैम्प्ट कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताऊँगा. सीक्वेंस ऑफ अटैम्प्ट क्या होगा, अगर आपको कहीं भी फिलर्स, कॉलम 1 और 2 और वर्ड और फ्रेज प्लेसमेंट क्वेश्चन दिखते हैं तो आप उसको पहले करोगे, ठीक है गाइस? उसके बाद आप पैरा जंबल के क्वेश्चन कर सकते हो और पैसेज के क्वेश्चन कर सकते हो. जिसका पैसेज, मतलब ये आपकी चॉइस है, आप चाहे पहले पैरा जंबल कर लो चाहे पैसेज कर लो. मैं रिकमेंड करूँगा पहले पैरा जंबल करना, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो पैसेज पर चले जाना, ठीक है गाइस? इस तरह से आप इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे. तो यही है आपके डेली, इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहोगे. और हाँ, आपको जैसे मैंने आप बताया था कि आपको एक मॉक टेस्ट देना है, जैसे एक आपने एक बार दे दिया तो नेक्स्ट दिन सिर्फ इसी मॉक टेस्ट को आप दोबारा दोगे सेम 35 मिनट के टाइमर के साथ. आपको याद रखना, एक मॉक टेस्ट को आप 3 times दोगे गाइस, ठीक है?
इंग्लिश को आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। ये ज़्यादा नहीं है कि डेली एक मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आपको एक मॉक टेस्ट को 3 टाइम्स देना है, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा गाइस। ठीक है, तो ये थी बड़ी शॉर्ट सी आपके लिए वीडियोस इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए। आपको और कुछ नहीं करना है इंग्लिश के लिए, मेनली आपको मैंने बताया जो मस्ट है रीडिंग, उसका मॉक टेस्ट देना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। थैंक यू गाइस, ये थी इंग्लिश की प्लानिंग वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।